ज्ञापन कुपार जी की ओर। और उस समय राजा रानी सुखपूर्वक को राजपाट चलाते थे, लेकिन संतान नहीं थी, संतान ही नहीं थे, धनहीन नहीं थे, जनहीन नहीं थे, लेकिन हीन थे, तो एक संतान से हीन थे। अभी भी अगर हमारे पूरा मोहल्ला पड़ोस में अगर किसी बेटा बेटी के यहाँ, बेटी बेटा बहू के यहाँ अगर कहीं औलाद ना हो तो दुखी रहते, परिवार भी दुखी रहता और गांव वाले भी दुखी रहते कि अरे बताओ यार, पांच साल तक ये, पांच साल विवाह हो गए, पांच साल और इनके पास में कोई औलाद संतान नहीं है। तो इसी तरह से नगर के सभी नगरवासी दुखित रहते थे कि राजा के यहाँ कोई ना कोई एकाद संतान हो जाती तो ये राजा राजवंश यानी पुरार वंश चल जाता, ये वंश नहीं टूटता। राजा लेकिन इतने दुखित नहीं थे, और दुखित होने के बाद, संतान ना होने के बाद भी प्राकृतिक पूजा नहीं छोड़ा होने, प्रकृति की पूजा करना नहीं छोड़ा, अपने नियम और संयम को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म के आधार, अपने सत्य के आधार पर चलते रहे और बड़ा देव का गुणगान करते रहे। अब इसी तरह से जल का देव और हीरो दाई, ये महान भक्त थे, इसके शंभू से पुत्र ने जन्म लिया, और उस पुत्र ने जन्म लिया तो उस गांव में खुशहाली छा गई, उस नगर में खुशहाली छा गई। और जल का देव और हीरो दाई भी खुश हो गए कि चलो हमारे बुढ़ापे के समय एक पुत्र ने जन्म लिया, और उसका जो कपार था इतना चमकता था, इतना चमकता था जैसे कि सूरज चमकता हो या अंधेरी रात में तारे चमकते हो, इस तरह से उसका जो कपार था वो चमकता था। शंभू शिव को याद आई, ध्यान किया उसने कि इस बालक का लालन पालन करने वाले, लालन पालन जल का देव और हीरोदाई नहीं कर पाई क्योंकि ये गरीबी अवस्था पर है, और ये ज्ञानवान बालक होनहार है, बुद्धिवान है, गुणवान है, इसलिए इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। सोचा मन में शंभु शिव ने कि इस बालक को ले जा करके दान में मांग करके और ले जा करके तुलसी राजा की बगिया में छोड़ दिया जाए। शंभु शिव अपने पार्वती के साथ अपनी गौरा दाई के साथ में जलका देव के पास जाते हैं, और जल का देव देखते ही कहते हैं कि अरे दूर से ही देख लिए तो दौड़ पड़े, कौन जल का देव दौड़ पड़े, हीरादाई दौड़ पड़ी कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, तो वो जाकर के दौड़ करके और गुरु के चरणों में सर झुकाते हुए गिर पड़ते हैं कि भगवान आप हमारे चरणों के लिए, हमें दर्शन देने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए आप हमारे घर पधार रहे हैं, आपका आगमन हुआ, हम तो बड़े सौभाग्य, हम बड़े भाग्यशाली हैं। इसी तरह से जल का देव अपने गुरु से वचन करते हैं, और शंभु शिव ने कहा कि धन्य धन्य है मेरे शिष्य, आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सदा सुखी रहें और बड़ा देव आप पर छत्र छाया बनाए रखेगा। उनको उठा करके अपने गले से लगा लेते हैं शंभु शिव, और फिर उनके घर द्वार पर चले जाते हैं। वहां जाते हैं तो गुरु का सम्मान किया, आदर किया, भरपूर तिलक वंदन किया, और कहते हैं कि गुरुदेव आपकी और कौन सी सेवा करूं, आपकी जो आज्ञा हो तो मैं वह करने के लिए तैयार हूं। तो शंभु शिव ने कहा कि जल का देव आपसे मैं कुछ नहीं करवाने चाहता, सिर्फ मेरी एक
इच्छा है आपसे कहने की, और उस इच्छा को उस मांग को आपको पूरी करना पड़ेगा। कहे गुरुदेव आप जो कहे तो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों एक बराबर होते हैं। अगर गुरु ने मांगा शिष्य से तो शिष्य को तो देना चाहे भले ज्यादा ना दे तो थोड़ा तो जरूर देगा। तो कहा ठीक है, कहे महाराज कुछ भोजन पानी ले लो, इसके बाद में सब कुछ होगा। नहीं नहीं बोले, हम सब कुछ करके आए हैं, हमको पानी भर पिला दो, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये गरीबी अवस्था में है, करेंगे तो सेवा सत्कार गुरु की लेकिन उतना हम परेशान नहीं करेंगे। तो बोले गुरुदेव, बोले महाराज कहे हमको दान में आपका पुत्र चाहिए। बोले दान में अपने पुत्र को दे दीजिए और अपने धर्म को बचा लीजिए, बजाय काली धर्म को बचा लीजिए। तो आपसे भी मेरी कहना है कि आप अपने धर्म को और संस्कृति को बचा लो, बचा लो अपनी धर्म और संस्कृति को बचा लो, वचन व्रत हो जाएंगे, वचन से अधूरा हो जाएंगे। इसलिए हम गुरु के वचन को अधूरा नहीं करेंगे, उनको पूरा करेंगे, ऐसा जल आने हीरो दाइवी मन में विचार करके बैठ जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव ये आपका पुत्र है, ये आपका पुत्र है तो आप ही संभालिए इसको, हम इनको आपको दान दे देते हैं। दान में दे दिए, अब शंभू शेखर गौरा गाई लेकर के वहां से चल पड़ते हैं और अपने आश्रम जाकर के एक डोला सजाते हैं। क्या करते हैं? डोला, पहले डोला चलते थे ना, डोला में जब हम विवाह करते थे तो हमारे राजा महाराजों को भी घुमाया करते थे, तो डोला में बिठा लेकर के घुमाया करते थे, और वही डोला को जो विमान टाइप होता है उसी डोला को लोगों ने विमान के नाम से हमारे लोगों को पूजा पाठ में लगा दिया कुछ दिन पहले। कहे ये तो भगवान का विमान है, क्या कह दिए? भगवान का विमान है, इसकी पूजा करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, जबकि वो डोला जो है वो राजा महाराजाओं को ले जाकर के घुमाया करते थे, और दूल्हा और दुल्हन को भी डोला में बिठा करके लाया करते थे, दुल्हन को भी डोला में लाते थे। अब तो डोला नहीं है, है ना, अब तो वो ये बिलोरो, बिलोरो चल रही है ना, तो सबके बिलोरो बुला के धर देंगे, जितनी बिलोरो ला हो वो तो नहीं, हम बिलरथ जे हैं तो इसलिए हमें बिलरना नहीं है। बैलगाड़ी की तैयारी करो, जहां भी जिसकी बारात जाना है तो बैलगाड़ी से ले जाओ, चाहे वो सर्विस वाला लड़का क्यों ना हो, उसकी भी बारात जाए तो बैलगाड़ी से जाना चाहिए। तो समझ लो हम गौड़ी संस्कृति को मान्यता दे रहे हैं, बदलाव काली गौड़ी संस्कृति की मान्यता दे रहे हैं। लगा पता कि अभी तो कई कई मन में यह गाड़ी दे रहे हूँ, गुरु जी तो बैलगाड़ी बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लड़का बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, और पढ़ने वाले लड़का बच्चा भी कहते होंगे कि गुरु जी कछु बताए, हम तो सटे पेंटर शादी का, पर ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब वो डोला सजाते हैं और उस डोला में कुपार जी को बिठा करके गौरा दाई और शंभू से कहां छोड़ते ले जाकर के पेंडुर गंगा, क्योंकि उन्हें संदेश कौन क्या कर रहा है। इधर रानी और अपनी सखियों के साथ, अपनी सेविकाओं के साथ राजा से आज्ञा मांगते हैं कि महाराज आज मेरी पेंडुर गंगा नहाने की इच्छा हो रही है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जब आपकी इच्छा पेंडुर गंगा नहाने की हो रही है तो आप चले जाइए। तो अपनी सेविकाओं के साथ हिरवा रानी पेंडुर गंगा नहाने के लिए सखियों से क्या कहती है? स
सखियों से रानी बचन उचारी सफर बिना जिया नहीं मनमानी और सुनत बचन सकिया हर साई कोई चल रानी के संगमा जाएगा अरे सेविकाएं तुरंत आकर के अपने रानी के संग नहाने के लिए पेंडो गंगा की ओर चल पड़े जल के अंदर जाहिर करण लगी सिराब और सत बदन की भूल गई न घर को ध्यान यानी नहाने में सब भूल जाती है अपने घर भाग महती सब भूल जाती है और उसी क्षण पर जो डोला जा रहा था बहते हुए वो सब बड़ा देव की महिमा थी उन्हीं की कृपा थी डोला उधर से आओ शंभू सेठ ने गौरा दाई ने जो छोड़ा डोला को तो कैसे जा रहा वो अरे डोला या बत रानी पाई 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 अरे डोला या बत रानी पाई 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 उस समय डोला रानी ने तो सोचा कि ये डोला आ रहा है इसको पकड़ लेना चाहिए हो सकता है इसमें कोई ना कोई चीज होगी रानी जैसे ही डोला के पास जाती है वैसे ही डोला उनके किनारे आ जाता है अब रानी समझ जाती है इसमें कुछ ना कुछ तो है इस कारण मेरी और ये डोला आ गया अब जैसे उस डोला को खोल के देखती है तो उसमें नन्हा सा बालक किलकारी मारते हुए मुस्कराते हुए देख रहा था किलकारी मारने लगा जैसे ही दोबारा दाई ने जैसे ही उस डोला को खोला तो उस बालक ने किलकारी मार दिया हंसने लगा मुस्कुराने लगा हाथ पांव चलाने लगा तो रानी उसी समय अपने बड़ादियों की गुणगान गाने लगी कि हे बड़ादियों आज मेरे तूने भाग खोल दिया मैं बिन बालक की हीन थी पुत्र हीन थी जो आज तुमने मेरी कोख को सुनी नहीं होने दिया ये तो सब भाग्य की बात है जो जल में बहता हुआ बालक मुझे मिल गया तुरंत सेविकाओं को बुलाती है कि सेविकाएं आओ दौड़ो इस डोला को उठाओ और बाहर ले चलो रानी की आज्ञा पाते हुए सभी सेविकाएं उस डोला को लेकर के बाहर चली जाती हैं और उस डोला से निकाल करके बालक को अपने गोद में ले लेती है रानी और उसे बड़े लाल प्यार से चाटने लगती है चूमने लगती है तो हमारा भाग्य है जो हमें बालक मिल गया और वहां से रानी और सभी सेविकाएं साथ में राजमहल में चली जाती है राजमहल में चली जाती हैं और राजा को समाचार सुनाते हैं तो राजा बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो आज हमारे भाग जाग गए जो हमारे वंश में हमारे महल में एक राजपाठ चलाने वाला सुपुत्र आ गया यह सब शंभू सेठ की कृपा है और बड़ा देव बूढ़ा देव की कृपा है
ऐसा करके राजा बड़े खुश हो गए और नगर में शोर फैला दिए, क्षेत्रों में शोर फैला दिए। जैसे कि सचोली धन गांव में पुनेम हुआ तो हमारे क्षेत्र वालों को सबको पता हो गया कि पता दे दिए कि भैया हमारे गांव में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, 8 दिन पहले से शोर भी कर दिए है और आज तक भी शोर से किए हैं, फोन किए कहने का मतलब संदेश दिए है। तो ऐसे ही उस समय भी राजा ने किया, नगरवासी सब खुश हो जाते हैं कि चलो राजा के यहां एक पुत्र ने जन्म ले लिया। भाई कछु अतः पता नहीं भाव, कछु बदलिए ही नहीं छाई और कैसे कैसी बालक हुआ, क्योंकि उनको सारा रहस्य मालूम नहीं था, इसलिए उन लोगों ने नहीं समझ पाए।